हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतुल महाजन एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जन। दोस्तों, विश्व भर में 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है और आज इसी बीमारी के बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं, आर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों में दर्द आना, सूजन आना, अकड़न आना, जिसे आप लोग आम भाषा में गठिया भी कहते हैं। अब एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि आर्थराइटिस सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों में होता है। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 30-40% केसेस जिन लोगों में होते हैं उनकी उम्र 50 साल से कम की होती है। अब आर्थराइटिस कोई एक सिंगल बीमारी नहीं है, आर्थराइटिस 100 से ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं। जब हम क्लिनिकली बात करते हैं तो इस आर्थराइटिस को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला आर्थराइटिस होता है जो एज के साथ आता है, जो एज रिलेटेड होता है, जिसे आप लोग गठिया कहते हैं, जिसे ऑस्टियो आर्थराइटिस कहा जाता है। अब इस ऑस्टियो आर्थराइटिस में जो वेट बियरिंग ज्वाइंट्स हैं, आपके एंकल ज्वाइंट है, आपका हिप ज्वाइंट है या आपके नी ज्वाइंट्स हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसमें कार्टिलेज डीजेनरेट हो जाता है, आपकी ग्रीस बनाने की क्षमता कम होती जाती है और ये जोड़ घिसते जाते हैं, इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एक दूसरे प्रकार का आर्थराइटिस होता है जो किसी भी उम्र में हो सकता है, जिसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। जो इसका सबसे बड़ा कॉमन एग्जांपल होता है वो होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके अंदर आपके हैंड जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, मॉर्निंग स्टिफनेस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और एक के बाद एक जॉइंट्स अफेक्ट होते जाते हैं। अब जब हम आर्थराइटिस की बात करते हैं, जो कौन से कॉमन सिम्टम्स आएंगे, कौन से कॉमन साइंस होते हैं जिससे आर्थराइटिस पता चलता है, आपको दर्द आएगी, आपके जोड़ सूज जाएंगे, आपको अकड़न आ सकती है, आपकी जो चलने फिरने की क्षमता थी वो धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है वो क्षमता कम होती जाती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें इस आर्थराइटिस को कैसे कंट्रोल करना है, देखिए आर्थराइटिस प्रोग्रेसिव कंडीशन है, आर्थराइटिस टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस करने वाला है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपको वक्त रहते इस बीमारी को पकड़ना है, तो इसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। अब आर्थराइटिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कंट्रोल करनी है वो है आपका वेट। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो वही वेट आपके वेट बेयरिंग जॉइंट्स में आने वाला है और आपके जॉइंट्स एक्चुअली प्रोग्रेसिवली डीजेनरेट करते जाएंगे, तो आपने अपना वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। आपने अपना जो खाना है, आपकी जो खुराक है उसको कंट्रोल करना है, उसके अंदर हेल्दी खाना ज्यादा लेना है, आपने प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, कैल्शियम लेना है ज्यादा, विटामिन डी रिच फूड लेना है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करेंगे और आपकी जो हड्डियों की घिसावट आ सकती है उसको वो कंट्रोल करेंगे। ऐसे खाना जिससे, जैसे शुगर रिच फूड्स होते हैं, फैट रिच फूड्स होते हैं जिससे आपका वेट बढ़ सकता है, आपको अपनी डाइट में वो रिस्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। आपको अपनी लाइफस्टाइल, जो आपका अपना एक जो रूटीन है उसके अंदर एक्टिविटी लेवल बढ़ाना होगा। आपने वॉक्स पे जाना है, आपने जॉग करना है, आपको अपने लिम्स को मूव करवाना है। देखिए, मशीन को अगर आप संभाल के रखेंगे तो मशीन में जंग लग जाएगा, तो मशीन चलती रहती है, मशीन के अंदर काम चलता रहेगा, लेकिन ध्यान इस बात का भी रखना होता है कि ओवर यूज नहीं करना है। तो ऐसा कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो आप स्क्वैट करते हैं, जमीन पे बैठते हैं, पालती चोपड़ी ज्यादा लगाते हैं, इंडियन टॉयलेट ज्यादा यूज करते हैं, नीलिंग करते हैं बहुत ज्यादा, ये सारी एक्टिविटीज एक्चुअली में आपके हिप और नी ज्वाइंट्स को ज्यादा डैमेज भी कर सकती हैं। तो अगर आपको पेन रहती है, आपको डिफॉर्मिटीज आ रही हैं, आपको आपके जोड़ों में सूजन अकड़न आती है, तो इस तरह की एक्टिविटीज को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना है और आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सुपरविजन में रहना है। देखिए, अगर आप बीमारी को बढ़ने देंगे तो जो चीज सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकती है वो अंत में जाके कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो आपकी मेडिकेशंस भी होती हैं, आपको फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेस भी करनी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करने हैं, डायट्री कंट्रोल भी करना है, जरूरत पड़े तो कुछ इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी लगाए जाते हैं, और अगर बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर सर्जिकल ऑप्शंस आ जाती हैं, जैसे आर्थ्रोस्कोपिक डिब्राइडमेंट्स होती हैं या नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स की जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने ये छोटा सा एक ओवरव्यू दिया है इस आर्थराइटिस की प्रॉब्लम के बारे में। आई होप कि आप लोग अपने जॉइंट्स को स्वस्थ रखने में ये वाली जो टिप्स मैंने आज दी हैं इसको आप अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये बातें शेयर कीजिए, उन लोगों में अवेयरनेस लाइए, ताकि ये आर्थराइटिस आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो आपका जो डेली रूटीन है उसको ज्यादा इफेक्ट ना करे। देखिए, जो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का जो थीम है 2020 का, वो है टाइम टू वर्क। तो आपने अपना लाइफस्टाइल, आपने अपनी जो रूटीन है उसको एक्टिव रखना है, आपने अपने काम भी करने हैं, आपने अपना प्रोफेशनल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे एक्टिव रहना है। सो आई रियली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।